तुम में से काफी लोग यार मैथ्स को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हो कि भैया मैथ्स में ना नंबर नहीं आ रहे, स्टार्ट ही नहीं हो रहा नंबर आना, और तुम पेपर भी देखते हो कि डिफिकल्ट आ रहा है, तो कैसे हम स्टार्ट करें। अब थंबनेल में 20 मार्क्स देकर के घबरा मत जाना भैया, सिर्फ 20 मार्क्स से क्या होगा, एटलीस्ट तुम इन 20 मार्क्स से स्टार्ट करो। ये सबसे आसान 20 मार्क्स है जो तुम मैथ्स में ला सकते हो, कॉन्फिडेंस मिलेगा। वैसे भी तुमको पता है केमिस्ट्री फिजिक्स में ज्यादा स्कोर आता है जो जो जिनका मैथ्स थोड़ा वीक होता है, पेपर भी थोड़ा टफ आ रहा होता है, तो मैथ्स में पहले इन 20 मार्क्स को आज जो मैं बताने वाला हूँ उसको एम करो, उसके बाद तुम आगे का मैं प्लान भी बताऊंगा और तुमको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो वीडियो को छोटी सी होगी, एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। इस चैनल में यार तुमको ए टू जेड सारी हेल्प मिलने वाली है। नोट्स मेरे को पता है थोड़े से लेट हो गए, बट तैयार हो रहे हैं, आ जाएंगे। उसके लिए टीजी चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन पे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को एंड तक देख लेना। पर उससे पहले यार तुम अगर अपने 1-to-1 मेरे से डाउट पूछना चाहते हो, कोई भी तुमको क्वेरी हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, जेई प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है, कोई भी तुमको दिक्कत हो, तो मैं लाइव आने वाला हूँ कल शाम के 6 बजे। लिंक उसकी तुमको डिस्क्रिप्शन के टॉप में मिलेगी, जाकर ये रिमाइंडर सेट कर सकते हो, अपने जेई प्रिपरेशन के तुम सारे डाउट पूछ सकते हो, और मैं भी तुमको हेल्प करने वाला हूँ तुम्हारे अपकमिंग जेई के लिए। तो वो बहुत अच्छा एक सेशन होने वाला है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन के टॉप में मिल जाएगी। अगर ये देख सकते हो, ये तुम्हारा प्लान होगा मैथ्स में फर्स्ट 20 मार्क्स स्कोर करने का, और इसको तुम अगर चाहो तो 6 घंटे में भी फिनिश कर सकते हो, यानी कि 6 घंटे 7 घंटे की मेहनत में तुम्हारे 20 नंबर आ जाएंगे। इसके रिसोर्सेज भी मैं बता दूंगा भैया, कहाँ से करना है, कैसे करना है, तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी रिसोर्सेज की, तो बस ध्यान से सुन लेना, 2-3 मिनट की बात है। तो यार देखो, फर्स्ट 20 मार्क्स हमको लाना है जेई 24 में, कॉन्फिडेंस चाहिए मैथ्स में जो नहीं आ रहा है। सबसे पहला चैप्टर तुमको करना है मैथमेटिकल रीजनिंग। किसी की बात मत सुनो, कोई फंक्शन मत चालू करो, कोई सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मत चालू करो, स्टार्ट करो मैथमेटिक्स। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अभी इतनी खराब चल रही ना, स्टार्ट करो मैथमेटिक्स, पहला चैप्टर उठा लो मैथमेटिकल रीजनिंग। कहाँ से करोगे, तो तुमको एक वीडियो लेक्चर से करना है यूट्यूब से, और कोई भी लाइव मत करना, रिकॉर्डेड से करना, उसको तुम 1.25x में कर लेना अगर स्पीड तुमको कम लगती। तो सारे लेक्चर्स की लिंक 5ों की तुमको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले ही बता देता हूँ, यूट्यूब में मेरे को जो बेस्ट लगे वो मैंने सजेस्ट किया, तुम और भी कोई सा जो तुमको बेटर लगता है वो कर सकते हो। मैंने जो देखा, मेरे को लगा तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा, वो मैंने बताया। तो सबसे पहले करना है मैथमेटिकल रीजनिंग। एक श्योर शॉट क्वेश्चन यहाँ से आएगा, +4 मिलेगा, और ये 2 मिनट का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, अगेन बहुत मिनिमल मीन मीडियन मोड वाला जो चैप्टर है। अगर तुम इसके थोड़ी सी थ्योरी कर लेते हो, आधे घंटे की थ्योरी होगी, और 1-1.5 घंटे इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, स्टैट्स तुम्हारा आराम से हो जाएगा। अगेन इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। अब हाइट एंड डिस्टेंस क्या है सर, ये कोई चैप्टर नहीं है, 11-12 में तुमको ये चैप्टर नहीं मिलेगा, लेकिन इसके क्वेश्चन आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। तुमको क्या, मैंने क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके लिए तुमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्लास 9-10 का नॉलेज चाहिए होता है, वही हाइपोटेनस बेस और है ना तुम्हारे परपेंडिकुलर वाला, तो उसके जो जेई के प्रीवियसर क्वेश्चन एक जगह पर जहाँ पर हुए हुए हैं सॉल्यूशंस, मैंने तुमको वो दे दिया, उसको देख लो, तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। तो ये 3 तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जहाँ से जब तुमको 12 नंबर दिखेगा आसानी से तो कॉन्फिडेंस आएगा। अब नेक्स्ट 4th चैप्टर है मैट्रिसेस, और उसी का भाई है 5th चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। अलग अलग चैप्टर है, यानी कि 2 से और कई बार मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी कि यहाँ पर भी तुम्हारे 8 से 12 नंबर बन जाएंगे। तो इन दोनों की लिंक भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी रिसोर्स की, उसको कर लो। रिकॉर्डेड लेक्चर से करना, कोई भी सीरीज में मत करना, अपने हिसाब से करो। अगर तुमको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो वापस से 10-20 सेकंड पीछे करो, फिर से समझ लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। अब मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ोगे तो वहाँ नोट्स बनाने जरूरी रहेंगे तुमको, ताकि बाद में याद रहे कौन से एरो से क्या मतलब होता है, ठीक है। और स्टैट्स के सारे फॉर्मूला लिख लोगे, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जैसे जैसे वीडियो में हो रहे तुम पॉज करके अपने से ट्राई करना। और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, ये सबसे आसान 20 नंबर है जो तुम यहाँ से स्कोर कर सकते हो, 24 भी हो जाएंगे अगर यहाँ 3 क्वेश्चन आते हैं तो। इतना करो, रिसोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप में है, जाकर के फॉलो करो। यार रिसोर्स पसंद नहीं आ रहा, तुम अपने अकॉर्डिंग और भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये लाइन से तुम्हारा जो है वो प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना और किस स्टेप्स की हेल्प चाहिए भैया, इन चीज़ों में हेल्प कर दो, जरूर कर रहा हूँ। अगेन टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप में मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लेना, नोट्स बहुत जल्दी डाल दूंगा, टेंशन मत लो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऑल दी वेरी बेस्ट टू एवरीवन।